आती। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो आपके सीजीएल में आए हुए हैं। प्लीज इसको एक बार देख के जाना अपने टीयर टू से पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एन इंटेलिजेंट टर्मिनल? इंटेलिजेंट टर्मिनल के पास क्या होता है? ये आपके चार ऑप्शंस हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आंसर है आपका, इट हैज अ माइक्रो प्रोसेसर बट ये प्रोग्राम नहीं हो सकता यूजर के थ्रू। ऑल राइट, बात कर लेते हैं इंटेलिजेंट टर्मिनल की। और उससे पहले बात करते हैं किसकी, टर्मिनल की। आपको पता होना चाहिए ये जो टर्मिनल है वर्ड, ये क्या चीज है। देखो, टर्मिनल एक ऐसा डिवाइस है जो आपको एनेबल करता है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में। इंग्लिश वालों के लिए बता दूं मैं, इट इज अ डिवाइस दैट एनेबल्स यू टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ऑल राइट, तीन बेसिक आपके टर्मिनल्स होते हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला टर्मिनल है आपका डम्ब टर्मिनल, सेकंड आपको लिखना है आपका है आपका स्मार्ट टर्मिनल, और थर्ड इज योर इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है, ये तीन टाइप के आपके पास टर्मिनल्स हैं, डम्ब, स्मार्ट और इंटेलिजेंट। पहला हम डिस्कस करते हैं आपका जो डम्ब टर्मिनल है वो क्या होता है। देखो, जो टर्मिनल सिर्फ आपका इनपुट लेके और आउटपुट शो कर दे उसी को हम बोलते हैं डम्ब टर्मिनल, बट कुछ भी उसमें प्रोसेसिंग नहीं होती। ठीक है, दैट इज नोन एज अ डम्ब टर्मिनल। मतलब जैसा मैंने उसको इनपुट दिया उसने कहीं और जाके वो सेम आउटपुट दिखा दिया। ठीक है, तो उसी को आप बोलोगे डम्ब टर्मिनल। जैसे कि आपके पुराने कीबोर्ड होते थे, स्क्रीन कनेक्टेड होती थी, ठीक है, एक बिग सेंट्रल कंप्यूटर के साथ। तो उसमें क्या है, आपने कीबोर्ड में से आपने जो भी इनपुट दिया, ठीक है, तो वो आपके बिग स्क्रीन पे आ जाता था। अब की फीचर क्या है इसका, की फीचर है ये कि ये फुली डिपेंडेंट होते हैं सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर प्रोसेसिंग के लिए। एक सेंट्रल कंप्यूटर जो होता है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं टर्मिनल के बारे में। देखो, जो कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं हम टर्मिनल या फिर नोड। ठीक है, जो भी कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं टर्मिनल या नोड। जो यूजर डिफरेंट टर्मिनल कंप्यूटर यूज करते हैं वो इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव कर सकते हैं एक टर्मिनल से दूसरे पे। ठीक है, और आपको डम्ब टर्मिनल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं स्मार्ट टर्मिनल के ऊपर कि स्मार्ट टर्मिनल क्या होता है। देखो, अ मिडल ग्राउंड टर्मिनल टर्मिनल दैट कैन हैंडल सम बेसिक प्रोसेसिंग। जो एक मिडल ग्राउंड टर्मिनल है जो कुछ बेसिक प्रोसेसिंग हैंडल कर सकता है, जैसे कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग या फिर इनपुट आउटपुट की मैनेजमेंट को, तो उसे आप बोलते हो क्या, स्मार्ट टर्मिनल। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं स्मार्ट टर्मिनल का। जैसे कि आपका पीओएस सिस्टम होता है, ठीक है, पीओएस सिस्टम क्या होता है, पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम आपके स्टोर में, तो उसे हम बोलते हैं आपका स्मार्ट टर्मिनल। इट इज मोर कैपेबल देन डम्ब टर्मिनल बट लेस पावरफुल देन इंटेलिजेंट टर्मिनल। तीसरे पे आते हैं, थर्ड वन इज योर इंटेलिजेंट टर्मिनल। इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या है आपका, देखो, एक ऐसा टर्मिनल जो कि डेटा को प्रोसेस कर सकता है अपने आप। वो कैसे, क्योंकि उसके पास अपना प्रोसेसर है और उसके पास अपनी मेमोरी है, तो उससे हम बोलते हैं आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे मॉडर्न ईटीएम्स हैं, या फिर हम कह दें हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं वो होते हैं आपके इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है, की फीचर हम इसका देख लेते हैं, जैसे कि ये किसी सेंट्रल कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं करता अपनी प्रोसेसिंग के लिए। ये जो अपनी प्रोसेसिंग है वो खुद करता है डाटा की। क्यों, क्योंकि इसके पास अपना प्रोसेसर और अपनी मेमोरी होती है, एंड ये अपने टास्क परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि फाइल्स को स्टोर करना, एप्लीकेशंस को रन करना, बेसिक जो कैलकुलेशंस होती हैं वो सब इसी में होती हैं आपके इंटेलिजेंट टर्मिनल में। अब ये तीन टर्मिनल्स जो मैंने आपको बताए हैं, डम्ब, स्मार्ट और इंटेलिजेंट,
तो सबसे पहले बात करते हैं डम्प की, जो आपको ब्रीफ में लिखना है, ठीक है। तो डम्प टर्मिनल देखो, इसके पास आप लिखोगे कि कोई भी ब्रेन नहीं होता, इट हैज़ नो ब्रेन। ब्रेन का मतलब क्या है कि कुछ भी ये प्रोसेसिंग कर नहीं सकता, तो ये होता है आपका फुली डिपेंडेंट, ठीक है। फिर आता है आपका स्मार्ट टर्मिनल। स्मार्ट टर्मिनल के पास कह सकते हो कि भाई थोड़ा दिमाग होता है, दैट इज इट हैज सम ब्रेन एंड इट कैन परफॉर्म सम बेसिक टास्क, ठीक है। देन वी कम टू इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो इसको आप कह सकते हो भाई हाँ, ये जो इंटेलिजेंट टर्मिनल है इसके पास पूरा दिमाग है, फुल ब्रेन है, और ये जो है ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ठीक है। अपना काम सारा इंडिपेंडेंटली ये करता है। इसके पास जो है अपनी एप्लीकेशंस हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ठीक है। सो अब चलते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। चलो, सो द सेकंड क्वेश्चन इज सी लैंग्वेज इज सी लैंग्वेज किस टाइप की लैंग्वेज है? तो लो लेवल, हाई लेवल, मशीन लेवल या फिर असेंबली लैंग्वेज। तो आंसर इज सी लैंग्वेज जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज की। देखो, अगर हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें तभी पॉसिबल है हमारी वो कम्युनिकेशन जब मुझे और सामने वाले को सेम लैंग्वेज आती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हिंदी तो उसे भी हिंदी आती हो, अगर एक को हिंदी आती है और एक को हिंदी समझ में नहीं आती है तो आपस में कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम सामने वाले को सेम लैंग्वेज नहीं आती तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो कैसे सकती है? वो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है जब मेरे पास कोई ट्रांसलेटर हो, ठीक है, जो मुझे सामने वाले की लैंग्वेज ट्रांसलेट करके बता दे और मेरी लैंग्वेज सामने वाले को ट्रांसलेट करके बता दे। तो उस ट्रांसलेटर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं तो उसे ना कोई हमें कमांड देनी होती है जो उसे समझ में आए, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ वही हमारे कंप्यूटर को भी समझ आती है, तो कंप्यूटर को एक डिफरेंट लैंग्वेज समझ में आती है, तो दैट लैंग्वेज इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। तो जो बाइनरी फॉर्म में हमारा कंप्यूटर जो है उसको समझ आता है। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज होती है 0-1 की फॉर्म में, ठीक है। ये आपको पहले भी मैंने करा रखा है कि 0-1 की फॉर्म में बाइनरी समझ में आती है। सो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो तीन तरीके की लैंग्वेजेस हैं बेसिकली, पहली है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड वन इज योर हाई लेवल लैंग्वेज एंड थर्ड वन इज योर मिडिल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। लो लेवल, हाई लेवल और मिडिल लेवल को। जो आपकी लो लेवल है ना, इसको आप और क्या बोल सकते हो? इसको आप बाइनरी या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हो, ठीक है, लिख लेना ये कहीं। सेकंड, हाई लेवल जो होती है उसको आप हाई लेवल ही बोलते हो। एंड थर्ड वन इज योर मिडिल लेवल। सो जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है ये होती है आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब जैसे कि मैंने कोई इनपुट दिया, ठीक है, 0101 की फॉर्म में, कंप्यूटर ने उसको बाइनरी में लिया है ना, और आप जो वो आउटपुट देगा वो भी बाइनरी में ही देगा। फॉर एग्जांपल, ये कुछ उसने आउटपुट दिया, तो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि हमने बाइनरी में ही देंगे, और बाइनरी में कोई तो ऐसी चीज होगी जो हमारी लैंग्वेज को उस बाइनरी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। सो अब आते हैं लो लेवल लैंग्वेज जो है आपकी, इसमें आपको तीन पॉइंट्स लिखने हैं, ये नोट डाउन करना। पहला तो कि ये फास्ट है और प्रोग्रेसिव है, फास्ट एंड प्रोग्रेसिव।
सेकंड आपको है ट्रांसलेटर की रिक्वायर्ड नहीं होती इसमें, नो ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड। क्यों ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं है लो लेवल लैंग्वेज में? क्योंकि ये खुद ही बाइनरी लेवल की है, मतलब 0101 वाली फॉर्म में, ठीक है, 0 और 1 ही इसमें यूज होता है, जो बाइनरी फॉर्म कहलाई जाती है, जो कि आपके कंप्यूटर को समझ में आती है। फिर आपका तीसरा पॉइंट है इनपुट गिवन इन बाइनरी, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इनपुट होता है आपका वो बाइनरी में दिया जाता है और जो आउटपुट है आपका वो भी बाइनरी में ही वापस आता है। चलो अब डिस्कस करते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल लैंग्वेज जो है ये थोड़ी सी हम कह सकते हैं बाइनरी से ऊपर, एक लेवल ऊपर आ जाती है। वो कैसे कि जैसे कि हमें एडिशन करना है ना, फॉर एडिशन हम यूज़ करते हैं ADD, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं SUB। ऐसे ही अगर आपको मल्टीप्लाई करना है ना तो आप यूज़ करोगे MUL। तो इससे ये जो ADD है, SUB है, MUL है, इसको आप और क्या कहते हो, इसको आप ना निमोनिक्स भी बोलते हो, ठीक है। तो ये आपका निमोनिक्स भी होता है, पहले से ये कंप्यूटर के अंदर फीड होते हैं आपके निमोनिक्स। तो जैसे अब आप कहोगे कि मिडल लेवल लैंग्वेज को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा हमारा 5 add 4, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये तो आपका इनपुट आया 5 add 4। फिर आप आगे गए, ठीक है, इसमें क्या है, जो आपका असेंबलर है ना, क्या यूज होता है असेंबलर, ये क्या करेगा, आपका बाइनरी में बदल देगा चीजों को। तो ये जो 5 है प्लस में 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 यहाँ पर दे देगा, और ये जो 9 आपका आंसर आया ये कंप्यूटर में फेच हो जाएगा 9। तो बाहर जब आउटपुट आएगा ना तो वो आएगा आपका असेंबलर जो है वापस से ना इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके 9 की जो भी बाइनरी फॉर्म होती है 0101 की फॉर्म में वो वापस आपको दे देगी, और चेंज करके उसको जो आपको आपकी लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। असेंबलर का काम क्या होता है, असेंबलर का काम होता है मिडल लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब चलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पे। सो यहाँ पर आपको लिखना है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है आपकी, देखो कोई इनपुट आपका आया, ठीक है, वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है, या तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज हुआ, वो गए आपके कंप्यूटर में, फिर से कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज होगा और फिर निकल आएगा आपका आउटपुट। तो बेसिकली क्या होता है, जो हाई लेवल है, जो एक कंपाइलर है ना, ये क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप कंपाइलर लिख लो, हाई से लो में कंपाइलर, लो से हाई में इंटरप्रेटर। ऑलराइट, तो अब ये सारा डिस्कस कर लिया हमने। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये बाइनरी नंबर्स जो हैं आपके, ये बने कैसे हैं। आई एम रेजिंग ऑल दिस। चलिए जैसे आपके बाइनरी नंबर्स है ना 0 1 की फॉर्म में, तो अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक ये दिया है, मैंने कोई इनपुट दिया ब्लू, ठीक है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ब्लू को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो जैसे कि हमने लिखा BLUE, तो जो आपका डेसिमल वैल्यू है ना,
उसमें बी का जो कोड होता है ना वो होता है 66, एल का कोड है आपका 108। कोड्स आपको याद नहीं करने, फिर भी मैं एक टेबल प्रोवाइड करूंगी आपको जिसमें आपको जो कोड्स हैं आपके वो पता चल जाएंगे। सिमिलरली यू का कोड होता है 117, ई का कोड है आपका 101। अब इसको अगर बाइनरी में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 100010। इसी तरीके से नीचे वाले हैं, तो इतना डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ अभी आपको कैसे क्या मैंने यहाँ पर आपको क्या समझाया है कि जैसे ब्लू का कोड है डेसिमल, और डेसिमल से फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है, इनको एस्काई कोड्स भी कहते हैं, ASCII कोड्स। और एस्काई कोड्स जो होते हैं आपके, ये 7-बिट बाइनरी सिस्टम होते हैं। तो ये क्या होता है, 2 की पावर 7 - 1, दैट इज 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। अब इसका क्या लॉजिक है ये भी हम देखते हैं आगे चल के, कि 64 और बाइनरी में कैसे हमारा कन्वर्जन हो रहा है। चलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ मीनवाइल। चलिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर में नंबर सिस्टम की। कंप्यूटर में किसकी, नंबर सिस्टम्स की। तो पहला है आपका, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, ये आपको याद रखने हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, तीन तरीके के आपके नंबर सिस्टम है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, और एक और आप कर लो, वो है आपका हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। पहले हम बात करेंगे किसकी, डेसिमल से बाइनरी में कैसे इसका एक अलग से टॉपिक मैं आपको समझाऊंगी पूरा। अभी यहाँ पर हम ब्रीफ में देखते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल क्या है आपका, जैसे 117 है ना, तो डेसिमल डिनोट करता है नीचे 10 को, और बाइनरी डिनोट करता है नीचे जो है आपके 2 को, ठीक है। अब 117 को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 117 को आप डिवाइड करोगे 2 से। 2 से डिवाइड करा कैसे, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 8 जा 16, कितना कैरी हुआ हमारे पास, 1। फिर हमने दोबारा 2 से डिवाइड करा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, कितना कैरी हुआ, 0। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कैरी 1। डिवाइड करते रहो जब तक आपका फुल डिवाइड ना हो जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी 0, 2 6 जा 12, कैरी 0, 2 3 जा 6, 0, एंड 2 1 जा 2, ठीक है। और फिर यहाँ पर कैरी जो है आपका कितना आएगा, 2 1 जा 2 में ये कैरी हो गया 1। कैरी मतलब कि कितना बचा है, मतलब जैसे 117 से आपने 2 को डिवाइड करा तो 58 2 2 into 58 जितना भी आपका आएगा उसमें जो रिमाइंडर है वो 1 बचा। फिर आपने उसको डिवाइड करा 58 को 2 से, रिमाइंडर 0 बचा। 49 को करा 2 से, रिमाइंडर 1 बचा। तो अब आपको बाइनरी वैल्यू कैसे लेनी है इसकी, यहाँ से आपको लेफ्ट टू राइट टू अपवर्ड चलना है। कैसे, 1 1 0 0 0,
101, ठीक है। तो जो आपका 117 base 10, इसको बाइनरी में लिखना है आपको, तो 11000 101 की base 2, तो ये हो गया आपका डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। चलो अब दूसरा मेथड आपको सिर्फ मैं समझा रही हूँ, बट समझ हो सकता ना आए, 95% चांस है ये समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेथड 2, सो ये हम कैसे लिखते हैं, 2 की पावर n लिख के ना, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, ऐसे लिख के नीचे 2 की पावर 6 हो गया 64, जो मैंने वहां पर आपको समझ बताया था 64 का क्या लॉजिक है। यहाँ 32, 2 की पावर 4 16, 8, 4, 2 और 1, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे जो आपका 1 है ना, 1 का मतलब आप समझ जाओ ऑन, और 0 जहाँ जहाँ आएगा उसका मतलब समझना है आपको ऑफ। तो जैसे कि आपको एक 117 का ही ले लेना है, ठीक है। तो 117 कैसे बनेगा आपका, तो वो बनेगा आपका 62 + 32 + 16 + 4 + 1 = 17, ठीक है। तो ये आपका आएगा कैसे, आप ये देखो, यहाँ पर आपको 64 के नीचे 1 लिखना है, 32 के नीचे 1 लिखना है, 16 के नीचे 1 आएगा, 8 के नीचे 0 आएगा, 4 के नीचे 1 आएगा, 2 के नीचे 0 और इसके नीचे जो 1 के नीचे आपका 1 आएगा। ऑल राइट, तो ये आपका इस तरीके से आपका डेसिमल पे बन जाता है, और ये आपका बेसिकली इस तरीके से बनेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको जो लर्न करना है मेथड वो यही वाला है, ये सेकंड वाला नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए जिनको थोड़ा है आइडिया, नॉलेज है। तो आगे चलते हैं, अगर हम बात करते हैं फिर ऑक्टा ऑक्टा नंबर सिस्टम की, ऑक्टल की, तो ऑक्टल के लिए नीचे 8 आता है, ठीक है। तो वो कैसे हम लेते हैं, जैसे कि 117 का ही हम ले लेते हैं, तो 8 से हमें डिवाइड करना है, 8 से 1 8 1 जा 8 9 10 11 8 4 जा 36, ठीक है। कितना बचा आपके पास रिमाइंडर, 5, 8 1 जा 8 8 8 8, तो रिमाइंडर बचा 6। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर आपको ऑक्टल में चेंज करना है तो 1 6 5 नीचे 8, तो ये बन जाएगा आपका ऑक्टल, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो नंबर सिस्टम है ये हम डिस्कस करेंगे आगे, अलग से आपको बताऊंगी। अभी ये सारे जो हैं आपकी, एंड आई एम सॉरी, ये मैंने यहाँ पर लैंग्वेजेस के बीच में लिख दिया है, तो आप समझ जाना कि मैं हम दूसरा वाला डिस्कस कर रहे थे, पर इसमें तो ठीक है। चल आगे चलते हैं, फिर है आपका द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज, जो कमर्शियल यूज के लिए पहला कंप्यूटर बना था वो कौन सा था, तो वो था आपका यूनिवैक। तो फर्स्ट कंप्यूटर, तो ये हम डिस्कस करते हैं कमर्शियल कंप्यूटर्स क्या होते हैं सबसे पहले। देखो कमर्शियल कंप्यूटर्स जो होते हैं आपके, वो कमर्शियल यूज के लिए होते हैं, ये कंप्यूटर्स डिजाइन किए जाते हैं प्राइमरीली बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस के लिए, ठीक है। रिलायबल होते हैं और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं, और अच्छे कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब कमर्शियल यूज के लिए होते हैं। तो इसमें कुछ क्वालिटीज हैं आपकी कमर्शियल कंप्यूटर्स की, जैसे कि परफॉर्मेंस इनकी अच्छी होती है, वो इसलिए अच्छी होती है बिकॉज, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो वो इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इनके पास बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर होते हैं कमर्शियल कंप्यूटर्स में, और रैम जो होती है वो बहुत अच्छी होती है जो मल्टीटास्किंग हैंडल करती है। जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक बिजनेस सॉफ्टवेयर होता है, इसमें नॉर्मल नहीं डलता, और डेटा प्रोसेसिंग जो होती है वो एफिशिएंटली होती है,
सेकंड इज ड्यूरेबिलिटी जो होती है इसकी, ये लॉन्ग आवर्स को में ऑपरेट करने के लिए अच्छा है, ड्यूरेबल है, और हैवी जो वर्कलोड्स हैं उनको, मतलब ज़्यादा वर्कलोड को हैंडल करता है। कस्टमाइजेबिलिटी, तो क्या है ये, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि हम आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अलग है, तो उस तरीके से इन कंप्यूटर्स की कस्टमाइजेशन होती है और वो इसलिए यूज़ होते हैं। फिर आपकी आते हैं सिक्योरिटी, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर कंप्यूटर्स होते हैं, और जैसे कि एनक्रिप्शन, मल्टी यूज़र सपोर्ट और सॉफ्टवेयर फॉर डेटा प्रोटेक्शन, ये सब आपका इसमें होता है। देन फिर आते हैं कनेक्टिविटी पे, मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं इसमें, नेटवर्किंग ऑप्शंस हैं और कंपैटिबिलिटी विद अदर डिवाइसेस, सो वो ज़्यादा है। फिर आते हैं आपके कमर्शियल यूज़ कंप्यूटर्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। तो कमर्शियल यूज़ कंप्यूटर्स हैं आपके पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, दूसरा है वर्क स्टेशंस, लैपटॉप्स, सर्वर, पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, अब कमर्शियल यूज़ कंप्यूटर के ये हैं आपके सारे के सारे एग्जाम्पल, जो कि पूछा जा सकता है कि भाई ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं या फिर कमर्शियल यूज़ कंप्यूटर्स में तीन चार ऑप्शंस दे देंगे और उसमें बोलेंगे कमर्शियल यूज़ का कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है तो वो पहचानने का है। तो हमारे पास जो कमर्शियल यूज़ होते हैं कंप्यूटर के, पहला है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये आपके ऑफिसेज में यूज़ होता है, जर्नल, बिजनेस टास्क जैसे कि डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, ईमेल, स्प्रेडशीट्स को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स है जैसे आपका डेल, ऑप्टीप्लेक्स, एचपी प्रो डेस्क, ये सारे आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर नीचे आते हैं अपना वर्क स्टेशंस होते हैं, जो आपके वर्क स्टेशंस, ये भी आपके कमर्शियल यूज कंप्यूटर्स होते हैं। तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होते हैं, ये डिज़ाइन किए जाते हैं 3D रेंडरिंग के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, इंजीनियरिंग सिमुलेशंस के लिए। एग्जाम्पल्स हैं जैसे लिनोवो, थिंक स्टेशन, एचपी, जेड सीरीज, ये सारे। फिर आते हैं लैपटॉप्स पे, फिर ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे कि मैकबुक प्रो, लिनोवो, थिंक पैड, डेल एक्सपीएस। फिर आते हैं सर्वर्स, तो कंप्यूटर्स जो नेटवर्क रिसोर्स मैनेज करते हैं, होस्ट एप्लीकेशंस को मैनेज करते हैं, देन डाटा स्टोर करते हैं ये कंपनी के लिए। एग्जाम्पल है जैसे कि डेल, पावरेज, एलपी प्रोलायंट। ठीक है, फिर आते हैं आपके पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स, POS इनको बोला जाता है, ये बिलिंग में, रिटेल बिलिंग के लिए काम आते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, कस्टमर ट्रांजेक्शन्स के लिए काम आते हैं। एग्जाम्पल है इसका POS, टोस्ट POS, ये याद रखना है क्योंकि POS सिस्टम आपको ऑप्शंस दे देगा अलग अलग। तो ये जो स्क्वेयर POS है, टोस्ट POS है, ये सारे एग्जाम्पल्स है POS सिस्टम्स के। ऐसे सर्वर के एग्जाम्पल दे देगा, ये सारे एग्जाम्पल्स है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर है आपका एम्बेडेड सिस्टम। कंप्यूटर्स जो डिवाइसेस पे बिल्ड होते हैं स्पेसिफिक बिजनेस टास्क को करने के लिए, जैसे कि ATM और वेंडिंग मशीन होती है ना आपकी, वो एम्बेडेड सिस्टम का एग्जाम्पल्स हैं, के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके एप्लीकेशन ऑफ कमर्शियल यूज कंप्यूटर। एप्लीकेशंस क्या है, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, अभी तो हमने ये देखा था कमर्शियल जो कंप्यूटर्स हैं होते कौन कौन से हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन, देखो अकाउंट और फाइनेंस में काम आते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना, पेरोल और बजटिंग का। दूसरा है आपका रिटेल और सेल्स में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर डेटाबेसेस, बिलिंग सिस्टम्स। तीसरा आपका हेल्थ केयर में है, जैसे पेशेंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करना, शेड्यूलिंग और डायग्नोस्टिक्स। चौथा है आपका इंजीनियरिंग और डिज़ाइन, कैड सॉफ्टवेयर सुना होगा, सिमुलेशंस और मॉडलिंग, उसके लिए काम आते हैं। फिर आपका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, एजुकेशन और ट्रेनिंग में कैसे काम आते हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपके, और स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, उन सब में काम आते हैं। फिर डाटा एनालिसिस में, जैसे कि बिग डाटा हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन हैं उसमें काम आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रुप फेयर इज अ, जो ग्रुप फेयर है वो होता क्या है आपका, वो होता है एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन से आपके हार्डवेयर, नेटवर्क, फर्मवेयर, तो ऑप्शन आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर। तो ग्रुप फेयर
क्या होता है, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, ताकि वो एक साथ वर्क कर सके, कोलैबोरेट कर सके और आपस में एक साथ कम्युनिकेट कर सके इफेक्टिवली रियल टाइम में। क्या मतलब है इसका, मान लो 10 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, एक 10 लोग कनेक्टेड हैं, तो आपस में ये इकट्ठे काम कर सकते हैं चाहे ये किसी भी जगह पे बैठे हैं, है ना। तो उसे ही बोलते हैं आपको कि ये है आपका एक ग्रुप वेयर, इसी को ग्रुप वेयर बोलोगे। और ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है टू फैसिलिटेट टीम वर्क एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। टीम वर्क को वो करने के लिए और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए ये जो आपका ग्रुप वेयर है वो यूज होता है। की फीचर क्या है आपका ग्रुप वेयर का, पहला की फीचर है कि ये कम्युनिकेशन टूल में काम आता है, जैसे कि इट एनेबल्स मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिस्कशंस। एग्जाम्पल है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गई आपकी, जूम है ना, गूगल मीट वगैरह करते हो, तो वो सब आपका कम्युनिकेशन टूल्स में काम आते हैं। दूसरा है जैसे कोलैबोरेशन टूल, कोलैबोरेशन टूल में क्या होता है आपका, जैसे इट अलाउज टीम मेंबर्स टू वर्क ऑन शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोजेक्ट। वो कैसे, जैसे कि आप गूगल डॉक्स देखते हो ना, गूगल वर्क स्पेस में डॉक्स और गूगल शीट्स, उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है, इकट्ठे काम करते हो ना आप उसमें, और उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है अपने उसमें। तो बेसिकली इसलिए इसको ग्रुप सॉफ्टवेयर, ग्रुप वेयर बोला जाता है। तीसरा इसका की फीचर है जैसे शेड्यूल और कोऑर्डिनेशन, प्रोवाइड शेयर कैलेंडर्स एंड टास्क मैनेजमेंट, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कैलेंडर है आपका इसका एग्जाम्पल। फिर फाइल शेयरिंग के लिए काम होता है, फाइल शेयरिंग में मतलब क्या है कि सेंट्रलाइज लोकेशन फॉर शेयरिंग एंड स्टोरिंग फाइल्स, एग्जाम्पल है जैसे कि ड्रॉप बॉक्स और शेयर पॉइंट, ठीक है। ये है आपका ग्रुप वेयर। फिर टाइप्स ऑफ ग्रुप वेयर आपसे पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो ग्रुप वेयर के टाइप्स हैं आपके सिंक्रोनस ग्रुप वेयर और एसिंक्रोनस ग्रुप वेयर। सिंक्रोनस क्या है, इसमें ये रियल टाइम कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन आपकी अलाउ करता है, और एग्जाम्पल है जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, जूम हो गया, व्हाइट बोर्ड ऐप जैसे कि माइरो, सुनी होगी ना आपने, माइरो होता है, मीरो बोलते हो आप, क्या बोलते हो, तो वो होता है आपका, ठीक है। फिर एसिंक्रोनस ग्रुप वेयर में जैसे कि इट फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन ओवर टाइम विदाउट रिक्वायरमेंट, विदाउट रिक्वायरिंग पार्टिसिपेंट्स टू बी ऑनलाइन साइमल्टेनियसली, जैसे कि ईमेल हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल ट्रेलो है आपका, तो ये एसिंक्रोनस ग्रुप वेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर यूजेस ऑफ ग्रुप वेयर, ग्रुप वेयर के यूजेस कहाँ कहाँ आते हैं आपको देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आते हैं, टीम कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन, वर्क फ्लो ऑटोमेशन। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या काम करता है ये ग्रुप वेयर, ये प्रोग्रेस को ट्रैक करता है, टास्क असाइन करता है और अपडेट्स को शेयर करता है। फिर टीम कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मैसेजेस शेयर करना, सेंड करना, वर्चुअल मीटिंग्स को होल्ड करना, फिर आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस को कंडक्ट करना, ये सब आता है कम्युनिकेशन में। डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन में जैसे कि वर्किंग टुगेदर ऑन रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस एंड स्प्रेडशीट्स। देन वी हैव वर्क फ्लो ऑटोमेशन, तो स्ट्रीम लाइन रिपिटेटिव टास्क और अप्रूवल प्रोसेसेस। एग्जाम्पल लेते हैं अब हम ग्रुप वेयर सॉफ्टवेयर के, ऑलरेडी हम ऊपर से बहुत सारे कर चुके एग्जाम्पल, फिर आप नीचे देखो जैसे स्लैक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम है आपका, गूगल वर्क स्पेस है, असाना है, तो स्लैक जो है ना आपका ये मैसेजिंग और कोलैबोरेशन टूल है, ठीक है। दूसरा भी माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है ये चैट, वीडियो मीटिंग्स और फाइल शेयरिंग के लिए है। गूगल वर्क स्पेस आप सभी को पता है, टूल्स फॉर ईमेल, डॉक्यूमेंट एडिटिंग और शेड्यूलिंग। फिर असाना, असाना ही बोल है ना, तो असाना जो है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और जो टास्क ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। चलो आगे, द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू, मतलब जो डाटा ट्रांसफर होता है ना सीपीयू से पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर की, वो किस तरीके से अचीव होता है, वो अचीव होता है आपका इंटरफेस के थ्रू, इंटरफेसेस, ठीक है। इंटरफेसेस के थ्रू क्या होता है इंटरफेस, सबसे पहले हम बात करते हैं है क्या ये। देखो इंटरफेस होता है आपका अ वे फॉर टू सिस्टम और डिवाइसेस और अ प्रोग्राम टू कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर,
मतलब कि एक वे होता है आपका, है ना, एक रास्ता है या वे कह लो, एक माध्यम कह लो, जो अलाउ करता है दो डिवाइसेस को, दो सिस्टम्स को, प्रोग्राम्स को आपस में कम्युनिकेट करने में और क्या एक 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 साथ काम करने में। तो टाइप क्या है आपके सॉफ्टवेयर के, जो सॉरी इंटरफेस के, तो आपके हैं जैसे हार्डवेयर इंटरफेस और सॉफ्टवेयर इंटरफेस। हार्डवेयर इंटरफेस जो है आपके ये फिजिकल कनेक्शंस जैसे कि यूएसबी, एचडीएमआई, है ना, जो डिवाइसेस को लिंक करता है वो हो गए। सॉफ्टवेयर इंटरफेस जो होते हैं जैसे कि मेथड्स बाय विच सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इंटरैक्ट, जैसे कि एपीआई होता है ना, एपीआई। अब मुझे नीचे बताना एपीआई की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? चलो एग्जाम्पल है, देखो अगर आपकी एक कंप्यूटर स्क्रीन है जो कि हम बोलते हैं हार्डवेयर इंटरफेस है, ठीक है, ये आउटपुट शो करती है, वाइल जो ऐप की मेन्यू है ना, ऐप की जो मेन्यू है, एप्स, ठीक है, उसकी मेन्यू है वो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। इट लेट्स यूजर इंटरैक्ट विद इट, ओके। फिर आता है आपका बफर मेमोरी। बफर मेमोरी क्या होती है, देखो एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है जो होल्ड करता है डाटा को वाइल इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन डिवाइसेस और प्रोसेसेस। बफर मेमोरी में जैसे कि एक ये होता है कि एक स्टोरेज एरिया होता है, जब तक कि जो डाटा है ना वो डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफर हो रहा होता है, मीनवाइल वो जहाँ स्टोर होता है ना उसे ही आप बोल लोगे टेम्पररी स्टोरेज को कि वो बफर मेमोरी है। मैंने बफर मेमोरी पहले भी करा रखा है अच्छे से, उस बफर मेमोरी को एक बार देखना कि होता क्या है वो, ठीक है। फिर पर्पस क्या है इसका, ये स्पीड डिफरेंसेस को हैंडल करता है डिवाइसेस के बीच में और डाटा फ्लो को स्मूथ कर देता है। अब एग्जांपल्स लेते हैं इसके, जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग है आपकी, तो जो बफर है ना वो जो डाटा है उसको टेम्पररी स्टोर करता है स्मूथ प्लेबैक के लिए। फिर आपका और एग्जांपल हो गया जैसे प्रिंटर है, ठीक है, तो वो बफर को क्यों यूज़ करता है, प्रिंटर में बफर यूज़ होता है कि जो प्रिंट जॉब्स होती है ना उसको क्यू करने के लिए। जो कंप्यूटर वाले होंगे उनको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। फिर बात आती है मॉडम्स की। मॉडम तो सबने सुना होगा, इंटरनेट के साथ मॉडम, जो आपका मॉडम होता है तो है क्या। चलो पहले इसके बारे में बात करते हैं जल्दी से। द डिवाइस दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर और नेटवर्क टू इंटरनेट, ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर को या नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। और वो कैसे कनेक्ट करता है, बाय कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करके, या फिर वाइस वर्सा, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके। बेसिकली द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स योर डिजिटल डाटा टू एनालॉग सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल डाटा, ठीक है, ये होता है आपका मॉडम। मॉडम जो है वो किस, ये पूछ सकते हैं किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है या फिर किस उस पे काम करता है, ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन पे काम करता है। मॉड्यूलेशन क्या है आपकी, जैसे कि आपका जो डिजिटल डाटा है ना जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है, वो कैसे यूज होगा, जैसे कि टेलीफोन लाइन का यूज करके। अब डिजिटल डाटा और एनालॉग डाटा ये कभी आराम से करेंगे डिस्कस, ठीक है, वो कैसे टेबल बनेगी, क्या बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी। फिर आपका डीमॉड्यूलेशन जो है ना, डीमॉड्यूलेशन में एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, देखो मॉडम के, तो यहाँ पर आपको ये लिखने हैं जैसे कि आपका डीएसएल मॉडम हो गया, केबल मॉडम हो गया। डीएसएल मॉडम क्या होता है, फोन लाइन को यूज, जो जिसमें आपकी फोन लाइन कनेक्ट होती है ना उसे तो कहते हैं डीएसएल मॉडम। फिर आपकी केबल मॉडम जो होती है ना उसमें केबल टीवी लाइन यूज होती है इंटरनेट के लिए, तो उसे बोलते हैं आप केबल मॉडम, ठीक है। अब बात आती है कंप्यूटर पोर्ट्स की। व्हाट इज कंप्यूटर पोर्ट्स, व्हाट आर कंप्यूटर पोर्ट्स, फिजिकल और वर्चुअल पॉइंट्स होते हैं ये, जहाँ पर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से टू ट्रांसफर द डाटा, समझ आया।
फिजिकल या फिर वर्चुअल पॉइंट्स जहाँ पर डिवाइसेस या फिर सॉफ्टवेयर कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से टू ट्रांसफर द डेटा। तो दो तरीके के पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हार्डवेयर पोर्ट्स और सॉफ्टवेयर नेटवर्क पोर्ट्स। हार्डवेयर पोर्ट्स जो होते हैं आपके वो फिजिकल कनेक्टर्स जैसे कि यूएसबी, एचडीएमआई और ईथरनेट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ये हार्डवेयर पोर्ट्स हैं आपके जैसे फिजिकल कनेक्टर्स लाइक यूएसबी, HDMI और ईथरनेट। अब यहाँ से आपको पूछ सकते हैं भाई USB है, HDMI है, ईथरनेट है, तो ये सब क्या है, हार्डवेयर पोर्ट्स हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि हो गया आपका कि USB पोर्ट जो होता है वो करता क्या काम है भाई, ये फ्लैश ड्राइव को कनेक्ट करता है। फिर सॉफ्टवेयर और नेटवर्क पोर्ट्स आते हैं आपके, ये लॉजिकल चैनल्स हैं आइडेंटिफाइड बाई नंबर, जैसे कि पोर्ट 80 फॉर HTTP, पोर्ट 443 फॉर HTTPS। ठीक है, एग्जाम्पल है अ वेब ब्राउजर यूजेस 82 एक्सेस वेबसाइट्स, पोर्ट 80। अब आप कहोगे कि जो वेब ब्राउजर है ना वो कौन सा पोर्ट यूज करता है वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो वो है आपका पोर्ट 80, 80। पर्पस क्या है इसका, कंप्यूटर पोर्ट्स का, फैसिलिटेट डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस और नेटवर्क, ये इसका पर्पस है। फिर आपका आता है मॉडम को किसने इन्वेंट करा, तो AT&T इज इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडम को इन्वेंट करा। ठीक है, आगे चलो। विच अमंग द फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय इंटरनेट, तो सबसे ज्यादा जो प्रोटोकॉल यूज होता है ना इंटरनेट से वो होता है आपका TCP/IP। बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की। देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है ना वो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं कि डाटा कैसे भेजा जाएगा, कैसे सेंट होगा, कैसे ट्रांसमिट होगा, किस मीडियम से ट्रांसमिट होगा और किस तरीके से रिसीव होगा इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, या फिर किसी नेटवर्क के ऊपर। तो बेसिकली सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि डाटा कैसे सेंड होगा, कैसे ट्रांसमिट होगा और कैसे रिसीव होगा, किसके ऊपर, इंटरनेट या फिर नेटवर्क के ऊपर। तो क्या इंश्योर करते हैं भाई इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये क्या इंश्योर करता है कि जो आपके डिवाइसेस हैं ना वो एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें बाय कैसे एड्रेसिंग एंड राउटिंग डाटा पैकेट्स। आप सभी को पता है वो जो आपकी इंफॉर्मेशन जाती है ना इंटरनेट पे तो वो किस फॉर्म में जाती है, डाटा पैकेट्स के थ्रू। ठीक है, इस पर ज़्यादा डिटेल्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही आप याद रखो। फिर टाइप्स ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हमें करने हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। TCP के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का टाइप है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे सकते हैं और उसमें पूछ सकते हैं कि भाई TCP कौन जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसमें कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, फिर आप पहले बात करेंगे हम TCP की, क्या होता है भाई ये TCP जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, भाई ये रिलायबिलिटी इंश्योर करता है। ऑर्डर जो है आपका ऑर्डर डिलीवरी ऑफ डाटा को इंश्योर करता है। और फिर क्या करता है ये कि जो डाटा आपका पास हो रहा है ना उसमें एरर चेक करने का काम करता है TCP। ठीक है, अच्छे से कराऊंगी मैं आगे और भी, पर अभी यहाँ पर इतना ही समझो। फिर है आपका यूज केस, जो है आपका कहाँ पर यूज होता है, जहाँ जिन एप्लीकेशंस में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वहाँ पर ये यूज होता है, जैसे कि फाइल डाउनलोड्स और ईमेल में, है ना। अब मान लो कोई फाइल भेजी है या फिर कोई ईमेल भेजा है तो एज इट इज, मतलब वो तो उसमें तो कोई जो गलती है उसकी वो गुंजाइश है ही नहीं, है ना। तो इसलिए ये ज़्यादा जहाँ पर एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है ना वहाँ पर ये यूज़ होता है। तो दूसरा इसके की फीचर क्या है, की फीचर है जैसे कि ना ये डाटा को पैकेट्स में ब्रेक करता है, और जो लॉस्ट पैकेट होते हैं, लॉस्ट पैकेट का मतलब क्या है, देखो कोई इंफॉर्मेशन सेंड करी मैंने, यहाँ पर एक सिंपल टर्म में बताती हूँ मैं आपको, पैकेट्स की फॉर्म में हमारा डाटा जाता है एक एंड से दूसरे एंड पे। तो जब हमारा इस एंड से इस एंड पे जो पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं ना,
तो कई बार क्या होता है, कुछ पैकेट्स, ठीक है, किसी ने हैक कर लिया, कोई और दिक्कत आ गई, तो कुछ पैकेट्स ना बीच रास्ते में ही ना लॉस हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं लॉस पैकेट्स। तो ये क्या करता है कि जो लॉस पैकेट्स है ना आपके, लॉस्ट हो गए, उसको वापस से रिट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। तो ये होता है आपका टीसीपी। फिर नीचे आते हैं आईपी पे। आईपी क्या है आपका? आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? हैंडल्स एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ पैकेट्स, मतलब ये एड्रेसिंग और राउटिंग पैकेट्स की हैंडल करता है। एड्रेसिंग भी बताऊंगी और राउटिंग भी। राउटिंग आप समझ जाओ रूट के थ्रू, ठीक है, रूट समझ लो, रूट क्या होता है, ठीक है, सो दैट दे कैन रीच करेक्ट डेस्टिनेशन। अब वर्जन देखो इसके आईपी के, आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसके वर्जन है आपका IPv4, IPv6। IPv4 है ना जो, वो 32 बिट एड्रेस यूज करता है, ये याद रखना। फिर आपका जो IPv6 है ना वो 128 बिट एड्रेस को यूज करता है फॉर अ लार्जर एड्रेस पूल, ठीक है। IPv4 जो है आपका वो 32 बिट एड्रेस को यूज करता है। एग्जाम्पल जैसे कि वन, ये देखो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये नंबर 192.168.1.1, ठीक है, ये याद करना है आपको। फिर आप नीचे देखो IPv6 है ना जो आपका 128 बिट का एड्रेस जो यूज कर रहा है। एग्जाम्पल देखो इसका जैसे 2001, ये आपको याद करना है। देखो ये पूरा का पूरा इसका ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपका होता है एक FTP, जिसको हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना, ये क्या काम होता है, ये काम आता है आपका फाइल्स को ट्रांसफर करने में कंप्यूटर्स के बीच में, ठीक है, यूज टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन द कंप्यूटर। जैसे कि यूज केस कहाँ यूज होता है, ये तो था आपका कि क्या काम आता है, अब ये कि कहाँ यूज होता है, जैसे कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग फाइल्स सर्वर से अपलोड या डाउनलोड करने में, ठीक है। की फीचर्स हैं इसके कि रिक्वायर्स अ क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट और सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड कैन बी सिक्योर्ड यूजिंग FTPS और SFTP। अब ये FTPS और SFTP ये क्या होता है ये भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। फिर एक टाइप है आपका HTTP, या जिसको हम बोलते हैं HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? ये प्रोटोकॉल यूज होता है ट्रांसफरिंग एंड एक्सेसिंग वेब पेजेस, फॉर ट्रांसफरिंग एंड एक्सेसिंग वेब पेजेस। कहाँ पर यूज केस क्या है इसका? ब्राउजिंग वेबसाइट्स में। की फीचर क्या है इसका? कि HTTP अनसिक्योर्ड है, और ये जो HTTPS है ना, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है कि ये तो थोड़ा अनसिक्योर्ड है, लेकिन ये जो HTTPS लगा दिया ना आगे, S क्या है? सिक्योर्ड यूजिंग एनक्रिप्शन, मतलब ये इनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड, और दूसरे वाला है सिक्योर, ठीक है। वो क्यों सिक्योर्ड है? वो एनक्रिप्शन लग गया उसमें SSL और TLS का। ऑलराइट, नीचे चलते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि हम कहते हैं SMTP, ये क्या है? ये आपका यूज होता है सेंडिंग ईमेल्स के लिए, ईमेल्स को सेंड करने के लिए। यूज केस क्या है? सेंडिंग मैसेजेस वाया ईमेल सर्वर्स के थ्रू। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये जो है ये कौन सा है आपका? POP, POP और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP क्या है आपका? POP है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये सारे, ऐसा नहीं है कि मैं बोले जा रही हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल्स हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है जो जो मैं बताऊँ ना कि भाई इसमें जिसमें मैं लाइन लगा रही हूँ, तो वो सब आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है आपका, या फिर कहते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये ईमेल को रिट्रीव करने के लिए काम आता है। यूज केस क्या है इसका? ईमेल्स को सर्वर से डाउनलोड करने में POP का यूज आता है। और जो ये IMAP है ना, IMAP क्या है? ये इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये जो ईमेल है उनको सर्वर पे रखता है ताकि हम उसे मल्टीपल डिवाइसेस से एक्सेस कर सकें, ठीक है, इतना ही याद रखना है। चलो आगे चलो।
डीएनएस इज डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम जो है आपका, ये ह्यूमन रीडेबल, ठीक है, डोमेन नेम्स को ट्रांसलेट कर लेता है, ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि google.com है, ये उसे आईपी एड्रेस में क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा, ताकि मतलब जो आपके आईपी एड्रेसेस होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, उसको ह्यूमन रीडेबल में ट्रांसलेट कर देगा। बेसिकली बस इतना याद रखो। अब यूज केस क्या है, जैसे कि हम वेबसाइट्स को नेविगेट करते हैं ना, जिसमें हमें उन वेबसाइट्स के सिर्फ नाम ही डालने पड़ते हैं। अब ये तो है नहीं उसमें जो न्यूमेरिक आईपीज हैं हम वो भी डालें उसके, तो वो नहीं डालने पड़ते। तो बेसिकली डीएनएस यही है आपका, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक होता है ये, एक एक जो मैं टॉपिक बता रही हूँ, मतलब कई दिन लगते हैं इसको कराने में। तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि ये हम सिर्फ अभी एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, आपको ये नहीं सोचना बिल्कुल हिस्ट्री में नहीं जाना है, सिर्फ एग्जाम्पल्स देखो अभी आप। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो कि है DHCP, ये ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर देता है आपके डिवाइसेस को नेटवर्क के ऊपर। यूज केस क्या है ये, कि जो डिवाइस है ना, ये कनेक्ट कर देता है नेटवर्क पे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के बगैर, ठीक है। फिर है आपका 10th वाला, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। सिक्योर शेल प्रोटोकॉल क्या है, ये सिक्योर रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। यूज केस क्या है, मैनेजिंग सर्वर सिक्योरली। चलो अब करते हैं, जो कंप्यूटर होता है आपका, मैं इंग्लिश में भी बताती हूँ, ठीक है। कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम इन सीक्वेंस ऑफ, कंप्यूटर जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है ना, वो किस सीक्वेंस में करता है। पहले तो फेच करेगा कोई भी प्रोग्राम को, फेच करने के बाद क्या करता है, वो डीकोड करता है, डीकोड करने के बाद क्या करता है, एग्जीक्यूट होता है वो, ठीक है। अब ये मैंने सारा आपको जो प्रोटोकॉल्स है ना, TCP, IP, UDP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, IMAP, POP, DNS, DHCP, SSH, ये इसका क्या करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस भी मैंने बताए हैं इसमें, और एग्जाम्पल कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो सारा मैंने इसमें बता रखा है। तो ये सारा क्या कर लो, देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आगे चलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है डेटा हायरार्की में, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल और डेटाबेस। सबसे पहले आपका बिट है, ठीक है, फिर बाइट है, फिर फील्ड है, फिर रिकॉर्ड है, फिर फाइल आएगी, और फाइल से क्या बन जाएगा, कलेक्शन ऑफ फाइल्स डेटाबेस। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बिट बाइट, कलेक्शन ऑफ बाइट फील्ड, कलेक्शन ऑफ फील्ड रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड फाइल, कलेक्शन ऑफ फाइल डेटाबेस, ठीक है। आगे चलो, डेटा इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर एक डेटा है डेटाबेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसको क्या बोलते हो आप, तो उसको आप बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है, क्या बोलोगे, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, एक्सटेंशन की देखो, जो एडिशन रेफर्स टू एडिशनल फीचर, या फिर हम कहते हैं फाइल टाइप आइडेंटिफायर, जो कि एनहेंस करता है और कस्टमाइज करता है फंक्शनैलिटी को वेरियस कंप्यूटर सिस्टम की और एप्लीकेशंस की, ठीक है। कॉमनली जो है ये दो कंटेक्स्ट में यूज होता है, फाइल एक्सटेंशन और सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन, जो कि एक डिफरेंट हुआ है .exe करके, वो आगे पढ़ेंगे कभी जब आएगा, तो यहाँ पर इतना ही कर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बताओ, एंड्रॉयड, विस्ता, iOS, ओपेरा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, ओपेरा नहीं है, ठीक है, बाकी सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम करा चुके हैं पहले, देख लेना। चलो फिर भी चलो दोबारा करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आपको याद रखना है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका सॉफ्टवेयर होता है, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ताकि जो आपके प्रोग्राम है उस इंटरफेस पे रन कर सके, ठीक है। ये एक तरीके का ब्रिज होता है,
जो आपका यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एज अ ब्रिज एक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे देखो फंक्शंस देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कि रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आपके सीपीयू को मैनेज करता है, आपकी मेमोरी को मैनेज करता है, जो आपकी स्टोरेज है उसको मैनेज करता है। फिर आपका फाइल मैनेजमेंट मतलब ऑर्गेनाइज करता है फाइल को, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, डाटा की सिक्योरिटी को देखता है। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट में आपको इतना याद रहे। फिर जैसे टेक्स्ट शेड्यूलिंग, टेक्स्ट शेड्यूलिंग में क्या होता है? ये मल्टीटास्किंग हैंडल करता है कैसे, बाय एलोकेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज टू डिफरेंट एप्लीकेशंस। फिर आता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना आपके डिवाइसेस को मैनेज करता है। आपको पता है जैसे कि आप प्रिंटर लगाते हो, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सबके आप पहले ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हो ना, तो बस वहीं से। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी कोई चीज खराब हो गई तो एक तो होता है हार्डवेयर को हमने ठीक कर दिया, एक हमारे अंदर ड्राइवर्स को हम चेंज करते हैं ना, वहाँ पर सारी की सारी चीजें इंस्टॉल होती हैं, तो वो डिवाइस मैनेजमेंट करता है वो अंदर से। ठीक है, वहां से हम चीजें चेंज कर सकते हैं उनकी जो बेसिकली क्या बोलते हैं, फंक्शनैलिटीज कह लो या कुछ भी कह लो, तो उसको हम बदल सकते हैं। फिर आपका आता है यूजर इंटरफेस। जैसे कि इंटरफेस हमारा प्रोवाइड करता है वो CLI को, सच्चा CLI जो आपकी कमांड लाइन है, और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है। फिर आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से या थ्रेट से आपको बचाता है। वो कैसे? आप उसमें पासवर्ड डाल सकते हो मेन स्क्रीन पे, है ना, वो आपको ऑप्शन देता है ना होम स्क्रीन पे पासवर्ड डालने का, तो वही है। फिर हम आते हैं आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। बिल्कुल डिटेल नहीं बताऊंगी, हमने ब्रीफ करना है, ब्रीफ करेंगे। ठीक है, चलो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स देखो। जैसे कि फर्स्ट लिखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है आपका? ये जो बैच होता है ना जॉब्स का, जॉब्स आप पूछोगे क्या होती है तो पढ़ा होगा आपने कि जॉब्स क्या होती है। तो पहले क्या होता है इसमें कि जो जॉब का बैच होता है ना, ये उसको एग्जीक्यूट करता है बिना इंटरेक्शन के यूजर की। इंग्लिश वाले सुन लो, एग्जीक्यूट्स अ बैच ऑफ जॉब्स विदाउट यूजर इंटरेक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल, IBM मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, जो अर्ली IBM मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। फिर है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो ये अलाउ करता है मल्टीपल यूजर को सिस्टम को एक्सेस करने में साइमल्टेनियसली। कैसे? ये टाइम स्लॉट्स एलोकेट कर देता है। ठीक है, जो मल्टीपल यूजर्स है ना वो एक सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं अपना, अलग अलग उनको टाइम स्लॉट्स मिला होता है, जैसे कि ये इतने टाइम में, ये इतने टाइम में, तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। जैसे यूनिक्स है ना आपका, वो एग्जाम्पल है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ये मैनेज करता है ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को, एंड वो इस तरीके से मैनेज करता है कि वो सारा का सारा जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है ना वो एक सिंगल सिस्टम लगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली होंगे अलग 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 इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स से, वो एक ग्रुप है और वो ग्रुप को एक सिंगल सिस्टम में वो दिखाया जाएगा। अब वो कैसे, इसकी फंक्शनैलिटीज, इसका तो टॉपिक ही अलग बनता है। सिर्फ आपको यहाँ क्या करना है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है। ठीक है, कि मैं एग्जाम्पल सिर्फ जैसे कि अपाचे हाडूप है, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल्स है। फिर आपका है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है, ये डाटा को प्रोसेस करता है रियल टाइम में क्रिटिकल टास्क के लिए, जैसे कि WXWorks, QNX, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके। फिर लिखो आप, फिफ्थ है आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये डिज़ाइन किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम के लिए, जैसे कि IoT डिवाइसेस और एप्लीकेशंस के लिए। एग्जाम्पल है जैसे एंड्रॉयड हो गया, ठीक है, फॉर स्मार्ट TVs, फ्री RTOS इनके लिए। तो नीचे आओ, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लिखो। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये नेटवर्क फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है डाटा को मैनेज करने के लिए, ताकि या फिर कह दो कि भाई फंक्शनैलिटी
प्रोवाइड करता है नेटवर्क की मैनेज करने के लिए एंड यूजर्स अक्रॉस नेटवर्क्स, ठीक है, प्रोवाइड्स नेटवर्क फंक्शनैलिटीज फॉर मैनेजिंग डेटा एंड यूजर्स, ठीक है, अक्रॉस नेटवर्क्स। एग्जाम्पल क्या है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को, नोवेल नेटवेयर। देन वी हैव मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका वो स्पेसिफिकली बनाया गया है आपका स्मार्टफोन और टैबलेट्स के लिए। कौन सा होता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एंड्रॉयड और आईओएस, ये क्या होते हैं आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम जो हमारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका नेटवर्क या फिर लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कौन कौन से हैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, जैसे विंडोज वाले हैं ना, तो एग्जाम्पल आपका विंडोज 11 एग्जाम्पल है, ये मत सोचना सिर्फ यही है, पता ही होगा कितनी सारी विंडोज हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम विंडोज 11 का, तो ये यूजर फ्रेंडली है और इसमें जो है वाइड एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आता है मैक का, तो आपको पता है ये आपके स्लीक इंटरफेस के लिए वो जाना जाता है और स्टेबिलिटी के लिए, जैसे कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सनोमा है ना। फिर आपका है लाइनक्स जो है आपका, ये ओपन सोर्स और कस्टमाइजेबल है। तो एग्जांपल देखो, इसमें उबुंटू सुना होगा आपने, फेडोरा, ये सारे लाइनक्स के हैं एग्जांपल्स। फिर देन वी कम टू मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही है एंड्रॉयड, जो बहुत ही पॉपुलर है ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का, ठीक है, ओपन सोर्स है ये, हमने पढ़ा था पहले ओपन सोर्स क्या होता है ना, क्लोज सोर्स क्या होता है वो पढ़ना एक बार। फिर आईओएस जो है आपका एक्सक्लूसिवली ये एप्पल डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। फिर आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज़ के सर्वर जैसे कि एंटरप्राइज नेटवर्क को मैनेज करने के लिए लाइनक्स जो है आपका पॉपुलर वेब होस्टिंग है, सेंट ओएस एग्जांपल है इसका। देन वी हैव स्पेशलाइज्ड ओएस, स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, यूनिक्स और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्रोम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है और क्रोम बुक्स के लिए यूज होता है ये। देन यू हैव यूनिक्स, ये आपका सर्वर्स में और वर्क स्टेशन में यूज होता है। दूसरे उस पे आओ, डैश डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फिगर द कंप्यूटर सिस्टम। डैश, एक मिनट बेटा, इसमें थोड़ा सा एरर लग रहा है। डैश डिस्प्लेज अ लिस्ट, चलो, डैश डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फिगर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो क्या डिस्प्ले करता है यूटिलिटी कॉन्फिगरेशन को कंप्यूटर की, है ना, तो वो है आपका कंट्रोल पैनल। रैम जो है आपका, ये किस तरीके की स्टोरेज है, तो सभी को पता है प्राइमरी स्टोरेज है। बात कर लेते हैं रैम के बारे में। रैम पहली चीज, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सबको पता है ये कंप्यूटर मेमोरी है जो टेम्पररी स्टोर करती है डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। ये क्या करेगी, आपकी जो डाटा है और इंस्ट्रक्शंस है उसको टेम्परेरली स्टोर कर देगी, ठीक है। क्यों, सो दैट जो कंप्यूटर, जब आपका क्या होगा इसमें, जब आपके कंप्यूटर को जरूरत होगी ना तब वो फेच करा सकेगा, ठीक है। टेम्परेली कहाँ पर रिस्टोर कर देगी, कि भाई जब आपके सीपीयू को जरूरत होगी उसकी, जब कंप्यूटर रन कर रहा है तो वो टेम्परेली स्टोर कर देती है, ठीक है। ये उस तरीके की कंप्यूटर मेमोरी है। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है, वॉलेटाइल का मतलब सभी को पता ही होगा, मतलब जो इसके कंटेंट्स है ना वो जैसे ही पावर जाएगी, जैसे ही पावर ऑफ होगी, बिजली जाएगी ना, या फिर आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा वो, तो उससे क्या होगा, ये जो कंटेंट्स है ना ये लॉस हो जाएंगे, ठीक है। फीचर्स क्या हैं आपके रैम के, देखो सबसे पहले फीचर हम डिस्कस करते हैं वो कि देखो टेम्पररी स्टोरेज है, परमानेंटली स्टोरेज नहीं करता है रैम, टेम्पररी स्टोर करता है। तो कब करता है ये टेम्पररी स्टोर, जब आपका सीपीयू ना एक्टिवली यूज में है तब ये डाटा को सीपीयू में स्टोर करता है, ठीक है, टेम्परेरीली। और जैसे ही आपका सिस्टम शटडाउन होगा ना, वैसे ही आपका डाटा भी इरेज हो जाएगा। सेकंड जो है आपका हाई स्पीड रैम का फीचर है हाई स्पीड। तो जैसे कि आपकी
HDDs होती है ना, और SSD, HDD होती है आपके हार्ड ड्राइव्स, और SSD होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इनसे फास्टर है, ठीक है, इनसे फास्टर है, इन स्टोरेज डिवाइसेस से फास्टर है आपका रैम। फिर आपका क्या होता है कि ये क्विक एक्सेस अलाउ करता है डेटा की क्विक एक्सेस को अलाउ करता है स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए। देन यू हैव वॉलेटाइल मेमोरी, वो हमने डिस्कस कर लिया भाई, डाटा परमानेंटली तो रहता नहीं है, ठीक है, जैसी पावर गई तो उड़ गया डाटा भी। और फिर है आपका रेंडम एक्सेस, डाटा कैन बी रेड और रिटर्न इन एनी ऑर्डर, ठीक है, डाटा जो है वो किसी तरीके से भी रीड और राइट हो सकता है, मेकिंग इट फास्टर देन सिक्वेंशियल मेमोरी टाइप्स। बस इतना याद रखना है की फीचर्स आपको बेसिकली यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो ये वाला, ठीक है, और ये याद कर लो, हाई स्पीड ये वाला पूछ सकते हैं, और ये आ सकता है, ठीक है, चलो आगे चलो। फंक्शंस देखो, रैम के फंक्शंस क्या हैं, ये डाटा को स्टोर करता है, ठीक है, व्हेन सीपीयू नीड्स इट इमिडिएटली, ये तब डाटा को स्टोर करता है जब सीपीयू जो है करंटली वर्क कर रहा है, आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा है और सीपीयू को भाई इमीडिएटली जरूरत है, तो ये उस वो मेमोरी है जहाँ पर वो डाटा स्टोर होता है। और जैसे कि हमारा हार्ड ड्राइव से हम उठाते हैं ना तो कुछ डिलेज आ जाते हैं, तो रैम से उठाएंगे ना तो डिलेज नहीं आएंगे, ठीक है। फिर ये मल्टीटास्किंग को भी सपोर्ट करता है, और टेम्प्रेरी डाटा स्टोरेज को भी ये क्या करता है, वो करता है, ठीक है। तो रैम किस तरीके से काम करेगा आपका, तो रैम काम करेगा कैसे, जैसे ही आप एक प्रोग्राम को ओपन करोगे ना तो डाटा जो है ना वो लोड हो जाएगा, कहाँ से, हार्ड ड्राइव से उठ के रैम में, ठीक है। प्रोग्राम आपने ओपन करा, आपने कंप्यूटर ओपन करा, प्रोग्राम चला, डाटा लोड हुआ हार्ड ड्राइव से रैम में, ठीक है। फिर क्या होगा, सीपीयू जो है ना वो एक्सेस करेगा आपका रैम से डाटा को, क्यों रैम से क्यों कर रहा है वो इससे ताकि जो प्रोसेसिंग है वो उसकी ज़्यादा इजी हो जाए, ठीक है, इसलिए वो रैम से कर रहा है। फिर जैसे टास्क कंप्लीट हो गया, और भाई आई एम सॉरी, जैसे ही टास्क कंप्लीट हुआ और सिस्टम शट डाउन हो गया, तो आपका जो डाटा है ना वो रैम से क्लियर हो जाएगा, इसलिए कहते हैं भाई वॉलेटाइल है, ठीक है। रैम इम्पॉर्टेंट क्यों है, रैम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली चीज परफॉर्मेंस की वजह से, क्यों, जो रैम मतलब क्या है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें क्या है ना आपका कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे टास्क साइमल्टेनियसली हैंडल करता है विदाउट स्लोइंग डाउन, एंड देन यू हैव एफिशिएंसी, स्मूथ ऑपरेशन ऑफ एप्लीकेशंस का होता है, और फास्टर बूट टाइम है, तो इसलिए रैम इम्पोर्टेंट है। अब आपको ये देखना है कि रैम की जो आपकी कैपेसिटी है कितनी कितनी है, 4 GB है, 8 GB, 16 GB, 32 GB और मोर, ठीक है। सो 4 GB में क्या है भाई, कि आपके सुटेबल है लाइट टास्क के लिए, जब वेब ब्राउजिंग वर्ड प्रोसेसिंग हो गई आपकी, 8 GB में जनरल यूज के लिए है, मल्टीटास्किंग और कैजुअल गेमिंग के लिए 8 GB का सही रहता है, 16 GB भाई आपको और हैवी मल्टीटास्किंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, मॉडर्न गेमिंग जो आजकल बढ़िया हो गई है तो वो 16 GB में चल जाती है। अब 32 GB और मोर, ये भाई प्रोफेशनल लेवल टास्क जो होते हैं, 3D रेंडरिंग, वर्चुअलाइजेशन और सर्वर, ये उसमें काम आता है ना। फिर है आपका डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल्स एट द स्टार्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, जब आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है तो जो डिवाइस आपका डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल देता है वो कौन सा है, अभी कह रहा था मॉडम, ठीक